दीपोत्सव को खास बनाने के लिए सबसे पहले तो आप देख ही रहे हैं कितनी तैयारी हो गई है, लाइटिंग लग गई है, घाट आपके साफ करा दिए गए हैं। अब इसमें 24 लाख दिए अपने आप में मायने रखते हैं, हमने जलाने हैं, तो इसके लिए बच्चे बहुत उत्साह से तैयारी कर रहे हैं और ये बिल्कुल जलेंगे निश्चित तौर पर, बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी समस्या के सारे घाट अपने आप जलेंगे, सारे बच्चे जलाएंगे। पूनम जोशी, बहुत उत्साहित है, हम तो एक्साइटेड है, मेरा फर्स्ट टाइम है इस बार। अभी तो यही कहेंगे कि राम जी आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग इतना खुश हैं, और जिस दिन मोदी जी और योगी जी आएंगे उस दिन ज़्यादा होंगे, और 24 जनवरी को ज़्यादा हमारे खुशी होगी। भाई जन का नाम है, मेरा नाम अदिति मिश्रा है, मैं फार्मेसी कर रही हूँ बी फार्म। यहाँ पर सब लोगों को बहुत खुशी हो, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा इसमें रोल जो है हमारे कॉलेज का है, जिसमें एक एक बच्चा अपना सब कुछ कीमती समय दे रहा है, और दिवाली जैसा इतना जो पवित्र पर्व, अपना घर का काम छोड़ के वो यहाँ पर पूरे जोरों शोरों से राम जी के लिए के आने का इंतजार कर। मेरा नाम अनामिका माथुर, के एस आगे पी जी कॉलेज, कंप्यूटर साइंस। राम नगरी में दीपोत्सव की धूम है। इस समय भगवान राम की नगरी, राम की पैड़ी के स्थान पर मौजूद हूं, और तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर हैं वो लगातार दीपक बिछा रहे हैं। पूरा एकदम राम नगरी में राममय का वातावरण है, क्योंकि आराध्य जनवरी में विराजमान होंगे। इससे पहले की दिवाली राम की दिवाली होगी, राममय दिवाली होगी, जिसको लेकर के अवध विश्वविद्यालय के जो वॉलंटियर हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं और दीपों को बिछाने का काम कर रहे हैं। तो पूरी अयोध्या को जिस तरीके से सजाया और संवारा जा रहा है, आराध्य जल्द ही अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, जिसको लेकर के बेहद खास तैयारी की जा रही है। लाखों राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे। 11 तारीख को दीपोत्सव होना है। इससे पहले जो अवध विश्वविद्यालय के 25,000 वॉलंटियर हैं वो लगाए गए हैं। 51 घाटों पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलन का काम होगा। ग्रीनिज बुक ऑफ अवार्ड में अपना नाम शुमार करेंगे, दर्ज करेंगे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अयोध्या नहीं पूरी देश दुनिया के लाखों राम भक्त इसके साक्षी होंगे। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। आइए जय श्री राम ने बनाए, आइए जय श्री राम ने बनाए।
Thank you.